इनकम से सबसे ज्यादा मनी कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो आप लोग श्रेय आईटी को तो जानती होगे। नमस्ते श्रेयांश भाई, कैसे हो? और हाँ, मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो, हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों को थोड़ा सा भी सक्सेस मिलता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। बट मेरे केस में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इस वजह से मेरे सर पे सक्सेस नहीं चढ़ी है। और जब तुम लोग भी समझ जाओगे तो कम उम्र में भी पैसे कमाओगे, तब भी तुम्हारी सक्सेस जो है वो तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ेगी और तुम टेढ़े मुंह करके किसी से बातचीत नहीं करोगे। ये चीज़ हो जाएगी, सबके साथ होती है, बट चढ़ने नहीं देना है सक्सेस को सर के ऊपर। और मैंने जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वो है, मैंने घर खरीदा। सबसे पहले तो काफ़ी बड़ा घर खरीदा है, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे हैं। उसके अलावा 3-4 स्टार्टअप में भी मैंने पैसे डाले हुए हैं, और भी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट, काफ़ी सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं। और मैं सच बताऊँ तो मेरे को काफ़ी सभी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही हुआ है अब तक। तो ऐसे गुजराती मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। और मेन घर हमारी जीवन जरूरियात चीज़ है, तो उसको तो हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बट उसके अलावा ये जो 1.5 लाख के जूते, 2 लाख के जूते, उस सब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैंने 2 जूते खरीद के रखे हैं रीसेल के लिए, उसका मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ेगा, तो जूता भी लेना इतना वो नहीं है। बट मतलब शौक के लिए चीज़ें मैं करने में नहीं मानता हूँ, और एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, कि मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप अपना देख सकते हो, वरना कुछ रूड बंदे आते हैं कमेंट करने के लिए, तो इस वजह से। बाकी बढ़ते हैं आगे। आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? फेस रिवील के बाद आपको कितनी लड़कियों का प्रपोजल आया और कितनों को आपने रिजेक्ट करा? सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड क्या होता है मेरे को नहीं पता आज तक, कि गर्लफ्रेंड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है भाई, मेरे को आज तक पता नहीं लगा है, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा अब तक। देखो सीधा बताओ तो मेरी 0 गर्लफ्रेंड है। एक उम्र होती है गर्लफ्रेंड बनाने की, 18, 19, 20, जो कि उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था और मैं गेमिंग कर रहा था 2400 घंटे, कभी भी आओ मैं सोया हुआ हूँ या गेमिंग कर रहा हूँ, तो उस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं बनी। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाओ, बट यार ये बोलना भी नहीं चाहिए वैसे वीडियो में। हाँ, इंस्टाग्राम ओपन है, अगर कोई लड़की देख रही है वीडियो और DMs कर सकते हो। वैसे सच बताओ तो मत करना, घर वाले भी आजकल वीडियो देखते हैं तो लफड़ा हो जाएगा, और ऊपर से समझ रहे हो यार, मत करना है, DM भी मत करना, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं और मेरे को बनानी भी नहीं है, बात खत्म इधर ही, कोई वो मामला नहीं चाहिए मेरे को भाई घर में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? तो मेरे को 2018 के दिसंबर मंथ में एक भाई YouTube पे दिखे थे जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया था, जे जे भाई उनका नाम है, अभी उन्होंने YouTube छोड़ दिया है, बट हाँ उस टाइम पे फ्री फायर की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, और मेरे को वहीं से आइडिया आया कि मैं भी फ्री फायर की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, तो मैं इंस्पायर उनसे हुआ था। और थैंक यू जे भाई, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आपकी वजह से ही मैं YouTube पे इतना बड़ा करियर बना पाया हूँ। अगर आप उस टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते तो शायद मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता, क्योंकि आपको देख के ही मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया था, तो थैंक यू जे भाई। फेस रिवील होने के बाद क्या आपका व्लॉग चैनल आएगा? क्या आपके व्लॉग जाएंगे? क्या आप 2024 में व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करोगे या फिर गेमिंग इंडस्ट्री में ही रहोगे? और जहां तक बातचीत रही व्लॉग की, तो मैं व्लॉग का अलग चैनल नहीं बनाने वाला हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अजय वर्ष चैनल की, वहीं पे व्लॉग वगैरह अपलोड हो गए तो आप उसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो व्लॉग का अलग चैनल आई थिंक तो मेरे को नहीं लगता बनाना चाहिए। आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया था और कैसे किया था, ये मेरा क्वेश्चन है। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरे को पैसे वगैरह कमाने हैं, बस मैंने रेंडमली YouTube चैनल स्टार्ट किया जे जे भाई को देख के, और बाद में पैसे बनने लगे तो मैं YouTube को करियर में स्विच कर दिया, बस यही मेरा कहना है अभी के लिए। तो आप लाइव फेस कैम करोगे, यानी कि 2024 में क्या आप लाइव स्ट्रीम अपने फेस कैम के साथ करोगे या नहीं? आप जो वीडियो आप डालोगे वो फेस कैम में होगा या विदाउट फेस होगा? तो मैं ट्राई करूंगा 2024 में मैं फेस कैम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ, और टोटल गेमिंग 2.0 का मतलब भी ये है कि मैं फेस कैम के साथ ही सभी चीजें करूंगा। अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा तब भी फेस कैम के साथ करूंगा, और अगर कोई भी ऑफलाइन वीडियो भी आ रहा है तब भी फेस कैम के साथ आएगा, मतलब टोटल गेमिंग 2.0 मेन इसी वजह से मैंने दिया है कि अब सभी चीजें तुम लोगों को फेस कैम के साथ देखने को मिलेगी, और गेमिंग के अलावा भी कंटेंट मिलेंगे, हालांकि मैं रिपीट में वापस बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। बट हाँ, आप अभी के टाइम पे फेस्टिवल क्यों किए हो, मेरा पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि आप मीटअप कब करने जा रहे हो अपने सब्सक्राइबर के साथ? ठीक है अज्जू भाई, नेक्स्ट मीटअप कब हो रहा है? तो 2023 में मैंने फेस रिवील इसलिए किया क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 2023 में ही फेस रिवील कर दूंगा, हालांकि मैंने बाद में जाके 2025 का भी बोला था, बट जब मैंने पहला प्रॉमिस किया था वो 2023 का था, और मैं अपने शब्दों से पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 2023 में ही फेस रिवील कर दिया। और जहां तक मीटअप की बातचीत रही, मेरे को नहीं पता मैं कब मीटअप करूंगा, बट हाँ
ये पक्का है कि मैं मीटअप करने वाला हूँ। अब भी मेरे को नहीं पता मैं कौन से सिटी में और कहाँ पर कौन सी डेट को मीटअप करेंगे, बट हाँ पक्का मीटअप तो करेंगे भाई, मजा आएगा उसमें। आपका म्यूजिक वीडियो कब आ रहा है? जहाँ तक म्यूजिक वीडियो की बात है, मेरे ख्याल से इस साल में एक आध तो म्यूजिक वीडियो लाएगा पक्का। मैं ट्राई करता हूँ इस साल एक दो म्यूजिक वीडियो हम लोग लाए, बट आएगा म्यूजिक वीडियो भी आएगा। क्या ये सच बात है कि आपने 5 साल तक अपने रिलेटिव से ये बात छुपा के रखी कि आप ही वो 37 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल टोटल गेमिंग आपका ही है और आप एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं? तो हाँ भाई, मैंने अपने रिलेटिव से छिपा के रखा था अब तक कि मैं ही हूँ टोटल गेमिंग। और छिपाने का फायदा मिलता है क्योंकि रिलेटिव फिर आपको और आपके फैमिली को परेशान नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेके। और यूट्यूब तो तुम्हें पता है कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर उनको पता लग जाएगा तो उनके बच्चे वो लोग सब हमें परेशान कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने बता के नहीं रखा था। और मैं तुम लोगों को भी बोलूंगा, अगर तुम करते हो कुछ ऐसा काम या कुछ भी काम करते हो तो रिलेटिव से छिपा के रखो, उसमें तुमको सक्सेस मिलने के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ये मेरा मानना है। ओके, तो अर्जु भाई आपकी एज कितनी है और आपका मंथली इनकम कितना कमाते हो? तो मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूँ। ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ क्योंकि मैं एशिया का नंबर 1 गेमर हूँ और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता हूँ। एक मिनट, यह आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ। एक मिनट, और इनकम भी दिखाता हूँ। आई थिंक तुमको दिखेगा नहीं, मैंने अच्छा मेरे को है ना ये इससे बाहर निकालना पड़ेगा भाई। मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई, मुश्किल हो रहा है गिनना है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना भाई। ऐसे ना मेरे टेबल के अंदर पड़े रहते हैं पैसे, मेरे को पता भी नहीं ये कहाँ, मतलब मैंने ऐसे अभी कलेक्ट किए, टेबल में ऐसे इतने पैसे पड़े रह रहे हैं अभी। पहले का मैं बताता हूँ, पहले इतने पैसे नहीं पड़े, अभी तो भाई पैसे कहीं पे भी, तुम आओगे ना मेरे घर पे आओगे ना टेबल पे कहीं पे पैसे भाई, सच बता रहा हूँ पैसे बहुत है अभी, पहले इतने ज्यादा नहीं थे। मेरा ये सवाल है कि आपने पेस रिवील तो कर लिया है पर अब शादी कब करोगे ये बता दो हमें। आप शादी कब करने वाले हो भाई? बस एक बार लड़की मिलने थे, बाकी सब मटेरियल तैयार है, जैसे ही लड़की मिलेगा ऐसे चुटकी बजा के शादी करके आ जाऊंगा भाई मैं। जब आपकी फेस रिवील की वीडियो की शूटिंग हो रही थी तो कैसा आपका था रिएक्शन, आपको क्या फील हो रहा था, कैसा कोई डर एक्साइटमेंट था? भाई जब फेस रिवील वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था ना तब कुछ अलग ही लेवल का डर लग रहा था, और वो वाला डर नहीं कि जिससे हमको सच्ची में डर लगता, एक ऐसा डर जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो वीडियो के बाद सभी लोग मेरे को पहचानने लगेंगे कि ये बंदा अज्जू भाई है, मतलब स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन कौन बनता है वो लोग कैसे पहचानने लगेंगे, वैसा हो गया। तो मतलब मैं रातों रात सबके सामने आ गया और अभी सब लोग मेरे को पहचानने लगे, उस टाइप का हो गया। तो इस वजह से हाँ मेरे को डर तो लग रहा था और एक्साइटमेंट भी था। वो एक्साइटमेंट तो भाई जब मैं वीडियो अपलोड करने वाला था ना उसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तब तक तो मेरे को थोड़ा बहुत डर था। सेटअप टू वीडियो कब आ रहा है एंड आगे हम लोग को कौन कौन से नए व्लॉग्स या फिर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे फेस कैम के साथ? अगर तुम लोगों को मेरा सेटअप टूर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 1,00,000 कमेंट कर दो और मैं सेटअप टूर वीडियो इसी महीने अपलोड कर दूंगा। और व्लॉग तो आएगा ही आएगा इस महीने, वो तो कंफर्म है, बट अगर 1,00,000 लाइक हो गए तो आएगा सेटअप टूर वीडियो इसी मंथ। जब आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप इतने बड़े यूट्यूबर बन जाओगे? भाई ये सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड किया होगा तब मैं क्या सोच रहा हूँ उसके लिए मैं 4 साल बड़ा हो गया हो, तो मेरे को याद भी नहीं है कि 4 साल पहले मैंने क्या सोचा होगा वीडियो अपलोड करते टाइम। बट आई नो मैंने कुछ भी नहीं सोचा होगा और ऐसे ही अपलोड कर दिया होगा क्योंकि तब तो मैं सिर्फ आवाज के साथ ही वीडियो डाल रहा था। तो भाई मुझे नहीं आइडिया मैंने क्या सोच के वीडियो अपलोड किया होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग तो लाइव स्ट्रीमिंग से किया था, वीडियो तो मैंने बाद में अपलोड करना स्टार्ट किया था। रियल लाइफ में गेमिंग के अलावा और क्या चीज करते हैं? मैं रियल लाइफ में गेमिंग के अलावा सुबह में उठ के तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट देखता हूँ, उसके बाद अगर कोई मेरे को मूवी वगैरह देखना है तो मूवी वगैरह देखता हूँ, बाद में मेरे को वीडियो बनाना होता है। तो हाँ गेमिंग वीडियोज नहीं बना रहा होता तब मैं वीडियो की एडिटिंग करता हूँ या स्टॉक मार्केट या कोई मूवी या वेब सीरीज देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे को बाहर जाने का इतना वो आदत नहीं है तो मैं बाहर इतना नहीं निकलता, बट अभी मेरे को पता है कि बाहर निकलना पड़ेगा आफ्टर फेस रिवील, तो मैं अभी गेमिंग के अलावा बाहर निकलने का भी काम करने वाला हूँ, मतलब घूम के आऊँगा इधर कहीं ना कहीं पे। तो बट आई डोंट नो, अगर मेरे को कुछ खाना रहा ना तब भी मैं घर पे ऑर्डर करके मंगवा लेता था, तो ये वाला सीन था अब तक तो, बट अब से थोड़ा चेंज होगा। जब आपने फेस रिवील नहीं किया था तब आपको क्या लगता था?